नागिन बनी चिड़िया बहू। नमन चिड़ा अपने मित्र मंटू कबूतर के साथ जंगल की एक घाट पर सैर करने गया था। दोनों एक गुल्लक से पेड़ के फल तोड़ रहे थे। वो दोनों घूमते घूमते एक जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पे तो कितने सारे फल और जामुन लगे हुए हैं। चलो हम अपनी गुल्लक से इस पेड़ के सारे जामुन तोड़ लेते हैं। दोनों मित्र गुल्लक से उस जामुन के पेड़ के सारे जामुन तोड़ने लगते हैं। नमन चिड़ा गुल्लक के जामुन तोड़ रहा था और मंटू कबूतर नीचे गिरे हुए जामुन उठा रहा था। तभी नमन चिड़ा अपनी गुल्लक से एक पत्थर मारता है जो एक सांप को जा लगता है जो उसी जामुन के पेड़ पर बैठा हुआ था। सांप को पत्थर लग वो सांप तड़प कर नीचे गिर जाता है, पर दोनों पक्षी मित्र का इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि उन्होंने एक सांप को जख्मी कर दिया है। थोड़े समय बाद दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। माँ पिताजी, देखिए मैंने कितने सारे जामुन तोड़ कर लाया हूँ। लीजिए आप दोनों भी खाइए, बेहद मीठे जामुन है। ये जामुन को छोड़ो, पहले ये बताओ ये मीठी चिड़िया कौन है जो अपने आप को तुम्हारी पत्नी कह रही है। मीठी चिड़िया, ये कौन है पिताजी? तभी एक खूबसूरत सी चिड़िया जिसका नाम मीठी चिड़िया है, वो नमन चिड़े और उसके माता पिता के सामने आती है। ये है पुत्र वो मीठी चिड़िया जो तुम्हें अपना पति कह रही है। इसने हमें बताया कि तुमने एक सुनसान जंगल में इस मीठी चिड़िया से ब्याह किया। हाँ, ये मेरे पति हैं और अब मैं इस घर की बहू हूँ। नमन ने मेरे साथ एक जंगल में विवाह किया है और मुझसे विवाह करके वो मुझे वहीं छोड़कर आ गए थे। मैंने कितने संघर्ष के बाद तुम्हारा ये घर ढूंढा और यहाँ चली आई। ये सब क्या बकवास किए जा रही हो आप? मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपको सब कुछ याद है, आप अपने माता पिता के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो सब छोड़ो पुत्र, इतनी प्यारी खूबसूरत चिड़िया हमारे घर की बहू बनी है, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैंने तो इस चिड़िया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। हाँ पुत्र, ये बिटिया बड़ी प्यारी है, इसे अपने घर का बहू मानकर हम तो बड़े धन्य हो गए। पुत्र, इस मीठी बिटिया ने हमें बताया कि ये एक अनाथ चिड़िया है। पुत्र, तुमने एक अनाथ चिड़िया का हाथ थाम कर इस संसार का सबसे नेक काम किया है। नमन, आप उस समय नशे में धुत थे, इसलिए आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि हमारा विवाह कब हुआ। नमन चिड़ा अपने माता पिता और मीठी चिड़िया की बात मान लेता है और वो अनजान मीठी चिड़िया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अब चारों एक परिवार साथ साथ रहने लगे। दो दिन यूं ही जान पहचान में निकल जाते हैं। अब मीठी चिड़िया अपने ससुराल और नमन चिड़े के साथ बेहद घुल मिल गई थी। एक दिन रात में, अरे बहू, मेरे पैरों में बेहद दर्द हो रहा है। इस समय ना तो तुम्हारे ससुर जी घर में है, ना नमन पुत्र है, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, मेरे पैर दबा दो ना। अरे माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मीठी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के पैर दबाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया बहुत जोर से चिल्लाती है। अरे बहू, अरे क्या कर रही हो, इतनी जोर से कोई पैर दबाता है क्या? क्या तुम्हें पैर दबाना भी नहीं आता? तभी मीठी चिड़िया एक नागिन के अवतार में आ जाती है जिसे देख कर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बहू ये क्या बन गई? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पुत्र नमन चिड़िया से अपना बदला लेने आई हूँ। इच्छाधारी नागिन, ऐसा बदला, ये सब क्या कह रही हो? मैं एक जामुन के पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी तुम्हारे पुत्र नमन चिड़िया ने मुझे एक जोरदार पत्थर मारा जिसकी वजह से मैं बहुत जख्मी हो गई थी। तुम्हारे पुत्र ने मुझे चोट पहुँचाई है। अब देखना मैं तुम्हारे पुत्र से कैसा बदला लेती हूँ। अब मैं एक नागिन इस घर की बहू बनकर कैसे तुम्हारे पुत्र से बदला लेती हूँ, देखना। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से उड़कर भागने लगती है। तभी वो इच्छाधारी नागिन टूनी चिड़िया को एक झपट में ही अपने मुँह में ले लेती है और टूनी चिड़िया को वही जान से मार देती है। चलो, इस घर की एक चिड़िया को तो मैंने स्वर्गवासी बना दिया, अब धीरे धीरे करके उस नमन और समन चिड़िया को भी मैं मौत के घाट उतार दूंगी, इसी तरह मेरा बदला पूरा होगा। इच्छाधारी नागिन अपने मीठी चिड़िया के अवतार में आ जाती है, अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करती है। तभी समन चिड़िया और नमन चिड़िया अपने घर आते हैं। अरे माँ और मीठी कहाँ है, घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा।
पुत्र, लगता है बहू और टूनी दोनों अपने कमरे में सो गए होंगे। कितनी रात हो गई है, चलो अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नमन और समन चिड़ा दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नमन चिड़ा अपने कमरे में पहुंचता है। मीठी तो सो गई, चलो मैं भी सो जाता हूँ, रात बहुत हो गई है। नमन चिड़ा अपनी पत्नी मीठी चिड़िया के पास जाकर सो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मीठी चिड़िया एक नागिन है। इधर समन चिड़ा अपनी पत्नी के पास आता है और वो भी सो जाता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे, अरे टूनी, अरे उठो, सवेरा हो गया। टूनी चिड़िया तो मर चुकी थी। समन चिड़ा उसे बार बार आवाज लगाता है पर टूनी चिड़िया उठ नहीं पाती। ये देखकर समन चिड़ा घबरा जाता है। अरे अरे टूनी क्यों नहीं उठ रही हो, मुझे तुरंत अपने बहू और पुत्र को बताना होगा। समन चिड़ा घबराते हुए अपने पुत्र के कमरे में जाता है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है वहां का नजारा देखकर समन चिड़े के होश उड़ जाते हैं। वहीं मीठी चिड़िया अपनी इच्छाधारी नागिन के अवतार में थी जो नमन चिड़े के ऊपर बैठी हुई थी। नमन चिड़ा गहरी नींद में सोया हुआ था। ये देखकर समन चिड़ा थरथराने लगता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। तभी उनके घर की बहू इच्छाधारी नागिन समन चिड़े को देखती है। ये नागिन कहां से मेरे पुत्र के ऊपर आकर बैठ गई? अरे नमन पुत्र उठो। अपने पिता की आवाज़ सुनकर नमन चिड़ा हड़बड़ाकर उठता है। वो जैसे ही नागिन को अपने ऊपर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और नमन चिड़ा घबराकर नागिन को अपने दोनों परों से झटका देता है और अपने पिता के पास भागकर आ जाता है। पिताजी, ये नागिन कहाँ से आ गई हमारे घर में और मीठी कहाँ है? पुत्र, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये नागिन अचानक कहाँ से आ गई और बहू कहाँ है? पुत्र, तुम्हारी माँ को मैं कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो उठ ही नहीं रही। तभी वो नागिन वापस से मीठी चिड़िया के अवतार में आ जाती है। ये नजारा देखकर दोनों चिड़ों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मीठी चिड़िया ही नागिन है और इसका मतलब हमारे घर की बहू एक नागिन बन गई है। मीठी चिड़िया वापस से अपने नागिन के अवतार में आ जाती है। हाँ, मैं एक नागिन हूँ और मैं यहाँ आकर तुम्हारे घर की बहू बनी हूँ। ससुर जी, आप जो अपनी पत्नी को जगा रहे हो ना, वो अब कभी नहीं उठ पाएगी कि मैंने उसे जान से मार दिया है। अब मैं तुम दोनों का भी संसार से खात्मा कर दूंगी। क्या तुमने टूनी को मार दिया? पर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नागिन दोनों चिड़े को पूरी बात विस्तार से बताती है। पूरी बात सुनने के बाद दोनों चिड़े के होश उड़ जाते हैं। तुम्हें मरना ही होगा नमन चिड़े, भागो पुत्र यहाँ से। दोनों चिड़े उस कमरे का दरवाजा बाहर निकलकर बंद कर देते हैं। वो नागिन उसी कमरे में बंद हो गई थी। तभी नमन चिड़ा उस कमरे में आग लगा देता है जिसकी वजह से वो नागिन भी उसी कमरे में जलने लगती है। तभी वो नागिन तेजी से कमरे का दरवाजा तोड़कर अपना मुंह बाहर निकालती है और नमन चिड़े की गर्दन को अपने मुँह में पकड़कर उसे जलते हुए कमरे में खींच लेती है, जिसके बाद उस नागिन के साथ साथ नमन चिड़ा भी उस आग में जलकर खत्म हो जाता है। इसी तरह उस नागिन ने एक बहू बनकर अपना लिया।